भारतीय कंपनी श्री रेणुका शुगर्स को एनपीए करार दिए जाने पर सिंगापुर की कंपनी विल्मर इंटरनेशनल आरबीआई को कोर्ट में घसीट सकती है। श्री रेणुका शुगर्स में विल्मर इंटरनेशनल की 58% हिस्सेदारी है और एनपीए करार दिए जाने से इस कंपनी को 4,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। कृषि क्षेत्र से जुड़ी सिंगापुर की फॉर्च्यून 500 कंपनी विल्मर इंटरनेशनल भारतीय रिजर्व बैंक को कोर्ट में घसीट सकती है। विल्मर इंटरनेशनल श्री रेणुका शुगर्स को एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित किए जाने के खिलाफ है, जिसमें उसकी 58% की हिस्सेदारी है। आरबीआई के इस फैसले से विल्मर इंटरनेशनल को 4,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। आईडीबीआई सहित श्री रेणुका शुगर से जुड़े अन्य बैंकों ने आरबीआई के सामने ये बात रखी कि अब श्री रेणुका शुगर्स के मैनेजमेंट में बदलाव हो चुका है और विल्मर इंटरनेशनल से भी इसे खुला ऑफर है, पर बावजूद इसके आरबीआई श्री रेणुका शुगर्स को एनपीए की श्रेणी में डाल देना चाहता है। आरबीआई का मानना है कि विल्मर इंटरनेशनल श्री रेणुका शुगर्स में बोली नहीं लगा सकता है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी यानी आईबीसी कोड 2016 के सेक्शन 29A के तहत डिफॉल्टेड प्रमोटर यानी जो प्रमोटर्स अपने कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं और रिलेटेड पर्संस यानी कंपनी से जुड़े हुए लोग दिवालिया हुई कंपनी की बोली नहीं लगा सकते हैं। आरबीआई विल्मर इंटरनेशनल को रिलेटेड पर्संस में गिनता है। विल्मर इंटरनेशनल भारत में कृषि क्षेत्र से जुड़ा सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक है। श्री रेणुका शुगर्स में मार्च 2018 तक विल्मर इंटरनेशनल का 38.57% हिस्सा था, जिसके बाद एक ऑफर के तहत इसे बढ़ाकर 58% कर दिया गया था। हालांकि इस विषय से जुड़े जानकारों का मानना है कि रेणुका शुगर्स को एनपीए करार देना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका अकाउंट ठीक तरीके से चल रहा है और कभी कभी तो ये कंपनी सैंक्शन हो चुका पैसा भी नहीं इस्तेमाल करती है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।